ये निकलेगा 0.04, कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं आप, मतलब 4 में 100 का भाग दे सकते हैं आप। अब सिचुएशन ये आती स्टूडेंट, इसके मेन फैक्ट की बात करें तो मेन फैक्ट्स में यहां पर स्टूडेंट, जब लोड को बढ़ाया जाता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लोड को बढ़ाया जाता है तो स्लिप का मान भी बढ़ता है, और जब स्लिप का मान बढ़ता है तो मोटर की जो स्पीड है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की जो स्पीड है वो स्पीड कम हो जाती है। तो स्पीड को हमेशा हम किससे रिलेट करते हैं, एन से रिलेट करते हैं, स्पीड को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिकल मशीन में। तो जब लोड बढ़ाया जाता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, जब लोड बढ़ाया जाता है तो स्लिप का मान बढ़ जाता है, और जब स्लिप का मान बढ़ता है तो स्पीड कम हो जाती है, मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वैसे ही सेकंड फैक्ट देखिए हम, तो ये है NR is equal to NS, मतलब रोटर की फ्लक्स बराबर स्टेटर जो है उसकी फ्लक्स, या इस कह सकते हैं हम सिंक्रोनस फ्लक्स या सिंक्रोनस स्पीड। तो रोटर की स्पीड और सिंक्रोनस की स्पीड जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो स्लिप का मान जीरो हो जाता है, और जब जीरो हो जाता है तब यहाँ पर आपको स्लिप का मान जो जीरो प्राप्त होगा, इसका मतलब ये है कि रोटर और स्टेटर ये दोनों गड्ढी आपस में आमने सामने आ गए हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिकली लॉक हो चुके हैं। तो यही कंडीशन जो होती है, इस कंडीशन को हम, ये जो कंडीशन है इसी कंडीशन को स्टूडेंट मैग्नेटिक लॉकिंग कहा जाता है, और इस मैग्नेटिक लॉकिंग को दूर करने के लिए हम इसके जो बार होते हैं रोटर के उसको स्क्यूड करते हैं, स्क्यूड किया जाता है मतलब तिरछा रखा जाता है, वाइंडिंग जो करते हैं वो तिरछी वाइंडिंग करते हैं, इसके स्लॉट को, इसके जो स्लॉट है स्लॉट को हम तिरछा करते हैं, इसीलिए करते हैं स्लॉट को तिरछा रोटर के स्लॉट को, कि मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो सके, मतलब दोनों के बीच में गैप हो। दोनों के बीच में गैप का मतलब ये होता है, यदि ये यहां पर देखते हैं, यदि ये स्टेटर का टिथ है तो ये हो जाएगा रोटर का टिथ, ये क्या हो जाएगा रोटर का टिथ, मतलब इसका जो फ्लक्स है और इसका जो फ्लक्स है इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा यहाँ पर होगा और इसका प्रभाव सबसे ज्यादा यहाँ पर होगा, तो ये खाली जगह हो जाएगी, ये भी खाली हो जाएगी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं होगी, कहने का मतलब ये है। अभी यहाँ पर देखेंगे आप तो रोटर, ये रोटर का टिथ हो गया, रोटर का टिथ मतलब टिथ यानी दांत होता है, और ये स्टेटर का टिथ हो गया, स्टेटर का टिथ, ये दोनों के बीच में आप देखेंगे तो काफी डिफरेंस मिलेगा, आमने सामने है क्या, अभी नहीं है, यदि ये दोनों आमने सामने हो जाते तब मैग्नेटिक लॉकिंग होती है, और इसी मैग्नेटिक लॉकिंग को दूर करने के लिए हम स्लॉट को, जो रोटर का जो स्लॉट होता है उसको तिरछा करते हैं, तिरछा बनाते हैं, पिछली क्लास में हमने ये बहुत अच्छे से पढ़े स्टूडेंट। ये जो टर्मिनल है, यदि किसी दो फेस को आप चेंज कर देंगे थ्री फेस इंडक्शन मोटर के, तो स्लिप जो है यहाँ पर मिलेगा 2-S। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल कंडीशन में यदि हम देखेंगे, जब कंडीशन नॉर्मल हो तो 1-S होता है, ये नॉर्मल कंडीशन की बात है, नॉर्मल कंडीशन जब फेज सीक्वेंस में हो R बाय B में होता है, लेकिन जब R की जगह यहां पर B हो जाए और यहां पर Y हो जाए, सीक्वेंस चेंज कर दिया आपने, तब की कंडीशन में 2-S स्लिप हो जाता है, तो ये स्लिप का मान है, ध्यान दीजिएगा स्लिप का मान क्या हो जाएगा 2-S। तो ये इसके कुछ फैक्ट हैं, इसको याद रखना होगा। उसके बाद देखेंगे यदि रोटर की स्पीड जब बढ़ जाए, या कह सकते हैं आप रोटर की स्पीड को बढ़ा दें और सिंक्रोनस स्पीड को कम कर दें, तब स्लिप का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद अभी नए स्टूडेंट ध्यान दो, इधर यदि नो लोड की कंडीशन है तो स्लिप का मान कितने परसेंट होता है, 4% होता है। ये नो लोड की कंडीशन क्या है, आपने मोटर को स्टार्ट कर दिया और उसमें लोड को कनेक्ट नहीं किया, ये तब की सिचुएशन है, समझ आ रहा है सभी को, हमने क्या किया यहाँ पे, मोटर को स्टार्ट कर दिया लेकिन उसमें लोड कनेक्ट किए गया नहीं, तब की कंडीशन में यदि स्लिप को चेक करेंगे तो 4% मिलेगा, और
स्टेबल कंडीशन होगी, तो स्टेबल कंडीशन में स्लिप का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहां पर ये जो 1 लिखा हुआ है नॉर्मल कंडीशन में, ये स्टेबल कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है स्टूडेंट? स्टेबल कंडीशन। तो स्टेबल कंडीशन में स्लिप का मान कितना होता है? 1% होता है। ये चीज आपको याद रखना होगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहीं से इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। उसके बाद यदि देखें हम, तो बेसिकली थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करें हम, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में यदि सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम है, तो आपको रोटर की जो स्पीड मिलेगी लगभग 1440 आरपीएम मिलेगी, ऐसा होता है। ठीक है, ये रोटर की स्पीड 1440 आरपीएम क्यों मिल रही है, 1500 क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि यहाँ पर स्लिप का अंतर है। क्या है बीच में? क्या है अंतर? स्लिप का है। तो आपने क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स, सिंक्रोनस फ्लक्स की स्पीड और रोटर फ्लक्स की स्पीड के बीच का अंतर क्या होता है? स्लिप होता है। और इसी के कारण थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट होती है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल पिछले क्लास में हमने देखा था, उसमें मेन उद्देश्य यही होता है कि ये जो रोटर जो है ये सिंक्रोनस स्पीड को पकड़ने की कोशिश करता है। तो जब रोटर सिंक्रोनस स्पीड को पकड़ने की कोशिश करता है NS को, और ये रोटर क्या है? NR है। तो NR NS को पकड़ने की कोशिश करता है, उसकी स्पीड को, मतलब उसके जो फ्लक्स की घूमने की जो स्पीड है उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ पाता है क्या? नहीं, उसे पकड़ नहीं पाता, और इस कारण उसके आसपास क्या करता है? वो चक्कर लगाता है। तो इसी वजह से सिंक्रोनस मोटर जो इंडक्शन मोटर होती है वो रोटेट करती है। तो इसमें जो सिंक्रोनस स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड को पकड़ने के कारण ही इंडक्शन मोटर रोटेट करती है। इसीलिए ये जो फार्मूला बना है स्लिप का, S = NS - NR, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है यही स्लिप कहलाता है, यही स्लिप कहलाता है। इसे हिंदी में सर्कल कहा जाता है, और ये एग्जाम में यहाँ से एक ना एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर बनते हैं। जैसे ये मैंने आपको किताब में दिखाया, ये जो दो फार्मूले हैं फार्मूला 1 और ये फार्मूला 2, इन दोनों में से परसेंट स्लिप निकालने के लिए पूछ लेगा एग्जाम में, या तो फिर रोटर की स्लिप, ये जो रोटर है रोटर की स्पीड कितनी होगी ये भी पूछ लेता है। मतलब इस फार्मूले में NS का मान निकालो ये भी पूछ लेगा, NR का मान निकालो ये भी पूछ लेगा, परसेंट स्लिप निकाल के बताओ वो भी पूछ लेगा। मतलब ये जो दोनों फार्मूले हैं ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर के मेन फार्मूले हैं। और एक फार्मूला मैंने आपको बताया था NS = 120 F/P, ये एक फार्मूला है। मतलब सबसे पहले फार्मूला तो ये हुआ, दूसरा फार्मूला ये हुआ, और तीसरा फार्मूला ये हुआ। ये तीनों फार्मूले पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइए यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, जय।